हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है। और टैली ईआरपी 9 में हम किस तरीके से एक्सपायरी डेट लेके आ सकते हैं, जबकि आप स्टॉक आइटम बनाते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट और बैचेस की डिटेल अगर आपको मेंटेन करनी है तो वो ऑप्शन कहां से आता है, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं टैली ईआरपी 9 ओपन है और यहां से हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, हमें अकाउंटिंग वाउचर में एंट्रीज पास करनी है। अगर आप स्टॉक आइटम बनाने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इन्वेंटरी इन्फो पे भी जा करके ये काम कर सकते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो चलिए यहीं से गेटवे ऑफ टैली से चलते हैं, आई बटन प्रेस करते हैं, ये आ गए इन्वेंटरी इन्फो पर। और यहाँ से स्टॉक आइटम पर जैसे ही आते यहाँ पर स्टॉक आइटम वाले विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ से सी बटन प्रेस करके और आ जाएंगे आइटम क्रिएट करने वाले ऑप्शन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एक स्टॉक आइटम का नाम लाइक पार्ले जी, तो ये लिख दिया हमने पार्ले जी। पार्ले जी एक बिस्किट की कंपनी का नाम है और ये बिस्किट का पैकेट है। ठीक है, और यहाँ से अल्ट सी करके यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं, तो यहाँ पी के टी लिख देता हूँ, इसका मतलब हुआ पैकेट। और यहाँ पर पी ए सी के ई टी पैकेट डाल दिया और यहाँ पे फॉर्मल नेम पीस पैकेट जो भी आता हो पैक्स तो वो डाल देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल पैक्स आ रहा है तो पैक्स ही डाल देते हैं, यहाँ पे जीरो रख करके एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मेंटेन बैचेस आ रहा है, आपके में शायद ऐसा ना आ रहा हो तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F11 की। क्या प्रेस करना है? F11। जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मेंटेन बैचेस बाय बैच वाइज डिटेल सेट एक्सपायरी डेट ये आ रहा है। तो मेंटेन बैचेस को यहां पर आकर के यस कर दीजिएगा, एंटर प्रेस करके आइएगा। और यहां पर मेंटेन बैचेस को यस करके एक्सपायरी भी सेट करना चाहते हैं तो इसको भी यस कर दीजिएगा, बस यही आपको करना है। और आपका जो भी स्टॉक आइटम है उसमें ये बैचेस की डिटेल आने लगेगी, यहां से आप एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने एक्सपायरी को भी यस कर दिया है, तो यहां से यस कर दीजिए। और ये पूछ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेट है इसको डालना है, तो यस दिखाना है तो यस। और यहां से एक्सपायरी डेट को भी यूज करेंगे हम और एंटर प्रेस करते हुए यहां से करवाते हैं इसको एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक आइटम बन गया। अब चलते हैं हम कहां एंट्री पास करने के लिए, तो यहां से बी बटन प्रेस कर देते हैं, परचेज में एक एंट्री पास कर लेते हैं, फिर इसी एंट्री को हम सेल्स में करके देखेंगे। ये हो गया, यहां पर जैसे ही आते हैं तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर हो गया, यहां पर परचेज का लेजर आएगा। और अब हम यहां से ले लेते हैं पार्ले जी, तो ये आ गया। अब देखिए यहां पर सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, यहां पर आपको न्यू नंबर में आकर के कोई नंबर डालना है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने 2 डाल दिया। अब यहां पर क्वांटिटी डालना है, 100 पैकेट था तो 100 पैकेट डाल देते हैं, 1 करेट 10 रुपए यहां पर डाल दिया हमने इस तरीके से। और यहां पर इसकी एक्सपायरी आएगी तो एक्सपायरी यहां पर डाल देते हैं 1/9/2023, ये एक्सपायरी हो गई इसकी। ठीक है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे तो जीएसटी का जो भी लेजर है वो लगा देंगे, सीजीएसटी लगा दिया और यहाँ पे एसजीएसटी भी लगा देंगे, तो जो भी एसजीएसटी सीजीएसटी है दोनों लगा दीजिएगा। यहाँ पर एसजीएसटी का लेजर अभी बना नहीं है तो यहाँ से अल्ट सी करके एसजीएसटी कर लीजिए, एसजीएसटी ये कर लिया एसजीएसटी। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत इसे रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे कर दीजिए जीएसटी और यहाँ पे कर दीजिए जीएसटी के लिए स्टेट टैक्स। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे हम, तो ये कर दिया हमने नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आ गया है, नरेशन में आप चाहे तो डाल सकते हैं परचेज्ड, बस इतना ही आपको नरेशन में डालना है, जो कर रहे हैं उसी को नरेशन में लिख दिया जाता है। तो ये हो गया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हमारी परचेजिंग हो गई। अब सेल्स की बात करते हैं, सेल्स के लिए बी बटन प्रेस करके F8 प्रेस करते हैं ताकि हम आ जाएं सेल्स वाउचर में। यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, एंटर करिए, यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो जो भी डेटर पार्टी का लेजर है हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेता हूँ सचिन, एक डेटर पार्टी का लेजर है ये कर लेता हूँ डी, यानी डेटर पता लगता रहेगा कि ये डेटर पार्टी है। और यहाँ से सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डाल देंगे तो ये सन्ड्री डेटर हो गया। यहाँ पर सारा चीज यस रखते हुए जैसे मैंने किया है बिल्कुल वैसे करते हुए एंटर करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट, तो ये डेटर पार्टी का लेजर बन गया। बाकी यहाँ पे एंटर करते हुए नीचे आ जाइए और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स का लेजर, तो ये सेल्स का लेजर लगा दिया। अब हम बात कर रहे थे पार्ले जी की, तो जहाँ जैसे ही यहाँ पे पार्ले जी आता है तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर हमारा वही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी सेम रहेगी, कितनी क्वांटिटी और खरीद, आप देखिए ये 50 पैकेट सेल हो रहा है। ठीक है, और सेल कितने का होगा, खरीदेंगे 10 का तो 12 का हम सेल करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है,
अब यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर आप लगा दीजिए तो ये सीजीएसटी हो गया और यहां पे एसजीएसटी कर देंगे तो ये एसजीएसटी हो गया, दोनों ही आ गया। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी और बैचेस की डिटेल डाल सकते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ओके, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।